हेलो स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पहुंचे स्टेट जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रायोगिक परीक्षाएं किसी भी कारणवश छूट गया है। अब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें एक बार पुनः मौका दिया जा रहा है, जिससे वह अपनी परीक्षाओं को दोबारा कंडक्ट करा सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और अपने जो रिजल्ट इनकम्प्लीट है उसको सही कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने जा रहे डिटेल में, तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जितनी भी प्रायोगिक परीक्षाएं छूटे हुए उन सभी परीक्षाओं को एक बार पुनः कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का पेपर छूटा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को किस डेट तक कौन से कॉलेज में जाकर अपने प्रायोगिक परीक्षाएं जो छूटी हुई है, मौखिक परीक्षाएं जो छूटी हुई हैं, किस कॉलेज में जाकर देना है, आज हम लोग इसी पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीर बहादुर सिंह पहुंचे विश्वविद्यालय जौनपुर वर्ष 2022 और 23 जो अगर हम बात करें जो एनुअल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनुअल परीक्षाएं हुई, अगर इसमें बात करें बीएससी लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ अगर बात करें एमएससी फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की यदि किसी भी कारणवश उनकी प्रायोगिक परीक्षा वे प्रैक्टिकल एग्जाम व मौखिक एग्जाम चाहे वाइवा किसी भी कारणवश छूट गया, उन सभी स्टूडेंट को 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच, आप देख सकते हैं जो आपको डेट निर्धारित की गई है वो 25 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच निम्नलिखित महाविद्यालय के प्राचार्य व संबंधित विभागाध्यक्ष से परीक्षा तिथि की जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। विभागाध्यक्ष 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं संपन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स की अभी प्रायोगिक परीक्षाएं किसी भी कारण छूट गई वो 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के बीच में वो अपने संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क करेंगे और विभागाध्यक्ष उन सभी चीज़ों का जो लिस्ट है वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को बताकर उस परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स किस कॉलेज में जाकर किस विभागाध्यक्ष से संपर्क करेंगे। अगर बात करते हैं कि राजा श्री कृष्णदत्त महाविद्यालय जो राज कॉलेज है उसमें यदि किसी की पत्रकारिता की परीक्षा स्नातक वर्ष में छूट गई है, उन सभी स्टूडेंट्स की पत्रकारिता का परीक्षा आपकी राज कॉलेज में कंडक्ट कराई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मुफ्तीगंज में जो आपकी राजकीय विद्यालय है, आप वहां पर जाके अपना गृह विज्ञान, चित्रकला और स्नातक में और स्नातकोत्तर में गृह विज्ञान की परीक्षाएं आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। नेक्स्ट बात करें स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में आपका भूगर्भ विज्ञान आपका, उसके साथ साथ इतिहास का, हिस्ट्री का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपकी पीजी लेवल की। साथ ही साथ बात करें अगर आप स्नातक यूजी में अगर हम बात करें आपका अगर वाणिज्य संख्या एवं कृषि संख्या के समस्त विषय जितने भी आपकी कॉमर्स फैकल्टी है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सभी विषयों के जो पेपर होंगे वो आपके तिलकधारी सिंह महाविद्यालय में आपके पेपर कंडक्ट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अन्य सब्जेक्ट भी दिया हुआ, कला संकाय, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत, गायन, तबला, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, स्नातक विज्ञान, संकाय भौतिक विज्ञान, यहाँ पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी की परीक्षाएं आपके TDPG कॉलेज में, साथ ही स्नातकोत्तर की भी काफ़ी परीक्षाएं आपके TDPG कॉलेज में कंडक्ट होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम स्नातकोत्तर में बात करें, यहाँ पे अगर हम कला संकाय में बात करें राजनीति शास्त्र, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, केंद्रीय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, संकाय में अगर हम बात करें कि जंतु विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य संकाय के समस्त एवं साथ ही साथ एमकॉम के समस्त पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आपकी TDPG कॉलेज में कंडक्ट हो रही है। ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि अंतिम अवसर होगा जो कि आपका 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच जो आपका फाइनल परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, सभी छूटी हुई परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्णय लिया गया है इसमें काफ़ी अधिक संख्या में छात्रों को लाभ होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और हम बात करेंगे, ये जो भी नोटिस जारी किया गया यहाँ पर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस नहीं है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है जो स्टूडेंट्स अपने यूजी फाइनल ईयर में, थर्ड कह सकते हैं कि यूजी बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड ईयर में है, साथ ही साथ पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, यह इन्फॉर्मेशन उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए है। आप यहाँ पे सेमेस्टर स्टूडेंट्स इसको कोरिलेट नहीं करेंगे। यदि किसी प्रकार का परीक्षा अगर स्नातक यहाँ पर बात करें बीए बीएससी सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स के लिए है या एमए के एमएससी के एमकॉम के सेमेस्टर स्टूडेंट्स का है उनके लिए एक अलग से नोटिस जारी की जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके आप उसको दूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।